भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ टेस्ट मैच बेहद रोमांचक हो गया है। आपको बता दें कि टीम इंडिया 283 रनों पर ढेर हो गई है। 283 तक पहुंचने में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली का बहुत अहम योगदान है। विराट ने एक शानदार शतकीय पारी खेली, 123 रन बनाए और अपने टेस्ट करियर का 25वां शतक जड़ा। बता दें आपको कि विराट कोहली के आउट होने का जो कैच लिया गया था उससे काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। जी हाँ, आपको बता दें कि पैट कमिंस की गेंद पर पीटर हैंड्सकॉम ने विराट का कैच लिया। हालांकि ये कैच पूरी तरह से कैरी नहीं हुआ था, लेकिन इसके बाद भी थर्ड अंपायर ने विराट को आउट दे दिया, जिसके बाद मैच पूरी तरह से पलट गया। एक समय भारत के डायरेक्शन में पूरी तरह से मैच जा रहा था, लेकिन ऋषभ पंत सामने थे, उन्होंने भी विराट को यही कहा कि आप रिव्यू लीजिए। रिव्यू हालांकि अंपायर ने थर्ड अंपायर को दिया था और थर्ड अंपायर ने जो अपना फैसला सुनाया वो विराट कोहली को आउट के रूप में सुनाया। इस डिसीजन को लेकर काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हुई है। पीटर हैंड्सकॉम कोई होते नहीं है जो साफ तौर पर आउट का इशारा करने वाले दिखाई पड़ रहे थे वहां पर। हैंड्सकॉम ने फिर वही चीज की है जो रिकी पोंटिंग ने साल 2008 में सिडनी में की थी। उनसे अंपायर ने पूछा था कि आउट है, तो उन्होंने कहा आउट है, अंपायर ने आउट दे दिया। एक बार फिर पीटर हैंड्सकॉम का ये डिसीजन बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि विराट का आउट होना भारत को कितना महंगा पड़ सकता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया 43 रन आगे हो गया है इस सीरीज, इस टेस्ट मैच में। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट।